हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, इंट्राडे स्टॉक वीडियो में आपका स्वागत है। और कल जिन स्टॉक्स के बारे में हमने बात की थी, पहले उन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और आज मैंने लाइव मार्केट में एक 16,500 की एक सीई दी थी। क्यों दी थी, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। पहला स्टॉक था हमारा भारत फोर्ज। मैंने खुद ही इस स्टॉक में एंट्री ली थी, क्योंकि जिस मैंने बताया था 665 के ऊपर ये निकलता है, आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 675 हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से ये स्टॉक ऊपर 670 तक गया, उसके बाद से इमीडिएट इसमें एक सेलिंग प्रेशर आ गया और मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे था, यहाँ इस सिम के पास में था, 656 के आसपास में। और मेरा जो SL था वो दूसरी कैंडल में हिट हो गया और यहाँ पे एक लॉस हुआ था। लेकिन फिर मैंने बताया भी था कि अगर ये स्टॉक नीचे 655 का लेवल ब्रेक करता है, आप इस स्टॉक को इमीडिएट शॉर्ट भी कर सकते हो। 650 के आसपास टारगेट बताए थे, वो ही मीट हुए। अगर किसी भी स्टॉक पर आपका SL हिट हो जाता है, आप उस स्टॉक को वापस चेंज मत कीजिए, दोबारा एंट्री मत लीजिए। हो सकता है वो स्टॉक आपके अगेंस्ट में चला जाए और आपको एक बड़ा लॉस दे दे। इसलिए मैं जनरली जिस स्टॉक में एक बार ट्रेड करता हूँ, उसके बाद दोबारा उस स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। दूसरा स्टॉक था मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस बताया था मैंने 1980 के ऊपर निकलता, आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट 2010 के आसपास थे, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पे 1979.60 के आसपास पहुंचा, लेकिन इमीडिएट सेलिंग प्रेशर, उसके बाद से नीचे कंसोलिडेट किया, उसके बाद से एक बड़ा मूव दिया। लेकिन इसी स्टॉक ने भी अपने टारगेट मीट नहीं किए, 1994 के आसपास से स्टॉक रिवर्स हो गया। हो सकता है जिन लोगों ने यहाँ पे अपना कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा, लेकिन उसके बाद से स्टॉक नीचे और यहीं पर कंसोलिडेट होकर बंद हो गया। थर्ड स्टॉक था बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में देखिए, यहाँ पर ये स्टॉक मैंने बताया था 1830 के आसपास अगर ये ऊपर निकलता है, आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। इमीडिएट टारगेट थे 1837 1840, तो 1840 तक भी गया, ऊपर 1850 का भी टारगेट था, 1850 भी गया। लेकिन ये मूवमेंट बहुत फास्ट हुआ था, उसके बाद से दूसरी पहली कैंडल में ये सारे टारगेट अचीव करके नीचे आया, उसके बाद से कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर। और नीचे मैंने बताया था 1815 के नीचे अगर निकलता है, आप इसको इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट था 1807, दूसरा था 1800, तीसरा था 179, और सारे टारगेट इसी स्टॉक ने मीट किए। तो यहाँ पे जिसने भी इस स्टॉक में एंट्री ली होगी या ट्रेड किया होगा, उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा इस स्टॉक में। तो बात करते हैं आज जो मैंने ट्रेड दिया था लाइव मार्केट में, 16,500 की जो मैंने सीई दी थी, वो क्यों दी थी और कहाँ पे दी थी। क्योंकि जब निफ्टी नीचे आ रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 16,500 के आसपास में यहाँ एक सपोर्ट था, तो यहीं से वापस बाउंस बैक होना था, यहीं पे मैंने दिया। और मैंने बताया था 50 रुपीज़ का आप SL ले लीजिए और ऊपर टारगेट 50 या 100 ले लीजिए। 5200 पॉइंट के आसपास में निफ्टी रिवर्स कर सकता है, तो 75-80 के आसपास में रिवर्स किया, लेकिन वापस इमीडिएट आ गए। उस टाइम मैंने बता भी दिया था, अब आपकी मर्जी है, आप चाहो बुक करना चाहो बुक कर सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा जिन्होंने 16,500 की सीई ली होगी। मैंने खुद ली थी और मैंने स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में भेजा था अपना। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं कल के स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक है लॉरस लैब। लॉरस लैब देखिए, ऊपर 546 और नीचे 533, ये इस रेंज में अभी फंसा हुआ है। लास्ट के 2-3 दिन से ये इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में इसको 546 का ऊपर लेवल ब्रेक करना होगा, अगर इसको ऊपर निकलना है तो 546 के ऊपर निकलता है, आप इसको इमीडिएट बाय कर सकते हैं। ऊपर पहले टारगेट होगा 552, दूसरा टारगेट होगा 558 या 560 के आसपास में। अगर ये स्टॉक नीचे 533 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर नीचे ये 528-526 तक भी जा सकता है। दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को देखिए, कल ही इसने अपना 52 वीक का हाई लगाया है 614 के आसपास में, और ये स्टॉक अब एक रेंज में है, ऊपर 614 और नीचे ये रेंज है 592, ये एक रेंज है। अब इसको निकलना है, एक और हाई लगाना है, तो 614 का लेवल ऊपर ब्रेक करना होगा, तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसी रेंज में हुआ, हो सकता है 614 के आसपास टच करे, वापस फिर नीचे आ जाए और ये 592 पे टच कर जाए, तो फिर ये एक साइडवेज स्टॉक हो जाएगा फिर से। लेकिन अगर इसी स्टॉक ने 614 का लेवल ऊपर ब्रेक कर दिया, तो आप बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर के जो कहाँ तक ये और ऊपर जा सकता है, ऊपर अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ये स्टॉक 625 तक जा सकता है। लेकिन अगर इस स्टॉक ने 598 का लेवल नीचे ब्रेक किया, नीचे के टारगेट यही 592 के आसपास में, लेकिन अगर और बहुत बड़ा फॉल हो गया, तो 580-570 तक भी ये स्टॉक नीचे आ सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में देखिए, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ग्रीन, उसके बाद से साफ फॉल। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ग्रीन, उसके बाद साफ फॉल। लेकिन यहाँ पर देखिए, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल रेड,
शार्प अप मूव। उसके बाद से यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल रेड शार्प अप मूव, तो एक पैटर्न बना दिया इसी स्टॉक ने। कल को ध्यान रखना, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन या रेड बने, ग्रीन बने तो शॉर्ट हो जाना, रेड बने तो लॉन्ग हो जाना, ये कल प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर स्टॉक 1560 ये इसका हाई है, आप इसको इमीडिएट बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 1578, दूसरा टारगेट इसका 1590 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है ऊपर। अगर स्टॉक 1535 के नीचे निकलता है आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 1521, सेकंड टारगेट होगा 1511 के आसपास में। ये थे 3 स्टॉक्स, आप इन स्टॉक्स को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर रख सकते हैं और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।